अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात कर रहे हैं कराची वाले में एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी के हवाले से। जब भी किसी मुल्क की तरक्की की बात होती है तो इकॉनमी को बैकबोन कहा जाता है। मईशत अगर मजबूत होगी तो कौमें मजबूत होंगी और मुल्क भी मजबूत होगा। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं उनका ताल्लुक बिजनेस कम्यूनिटी से है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, वेलफेयर काम भी कर रहे हैं, फलाही कामों को तरजीह देते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा वक्त लगाते हैं माशरे के मसाइल को हल करने के लिए। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं किससे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहबाज अली मलिक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, और बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी, तरक्की के हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जब बात होगी तो मेरा ख्याल है कि बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए शहबाज अली मलिक नाम ही बहुत है और पहचान उनकी अपनी शख्सियत है। मैं वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मसरूफियत है, कारोबारी भी है, समाजी भी है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को जो है मसरूफ रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि डिसिप्लिन इसी में है। तो ज़िंदगी जब आप डिसिप्लिन से गुजारते हैं तो आप ये समझते हैं कि मेरा ये वक्त कितना कीमती है और उसे किन अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, डिसिप्लिन की बात है तो क्योंकि आपका सारा एकेडमिक और ब्रॉट अप और बचपन जो है वो सारा गुजरा कैडेट स्कूल एंड कॉलेज में, पटारो से आपकी इब्तदाई तालीम है, तो डिसिप्लिन वहाँ से आया, घर से आया, कहाँ से आया मिजाज? देखिए नेचुरली इंसान जो है वो जो कुछ सीखता है वो अपने घर से ही स्टार्ट लेता है, और अर्ली जो ट्रेनिंग है वो तो इंसान को घर से ही मिलती है। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान, मेरे चचा जान, ये सब जो है वो लोग हैं जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहीं से हमने स्टार्ट किया। नेचुरली आई वेंट टू कैडेट कॉलेज पिटारो, जो कि मुल्क का जो है वो एक बहुत नामवर कॉलेज है, जो डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत मशहूर है, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से मशहूर है लेकिन डिसिप्लिन के लिहाज से भी बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे जो लाइफ थी, मैं ज़रा आपके बचपन की तरफ आपको फ्लैशबैक में ज़रा चले जाएँ, छोटे हो जाएँ वापस, कैसा बचपन था? शरारती थे, बहुत सोबर थे, अच्छे बच्चे थे, क्या थे? मेरी वालदा तो मुझे कहती हैं कि मेरा अच्छा बच्चा है, अच्छा वाला बेटा है, अच्छा वाला बेटा है, ठीक है, लेकिन मैं जो है वो इतना अच्छा भी नहीं समझता अपने आप। ठीक है, इंसान को और अच्छा होने के लिए जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन माँ की बात बड़ा सर्टिफिकेट होता है आपके लिए। ठीक है, तो आप अच्छे बच्चे थे, आप सबसे बड़े बकौल उनके मैं अच्छा बच्चा था। अच्छा, ठीक। और उसके बाद जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही था, और थोड़ी बहुत तो इंसान बचपन में कुछ ना कुछ तो शरारतें करता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने शरारतें नहीं अपनी लाइफ में। एकेडमिक कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे, कैसे स्टूडेंट थे? जी मैं कोई बहुत कोई सुपरसोनिक स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। आई डोंट वांट टू यू नो से कि जी मैं बहुत बड़ा, लेकिन मैं एथलीट था, और जी एथलेटिक्स वॉज माई स्पेशलिटी। कैडेट कॉलेज पिटारो में भी मैंने जो है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, दीज वर माई स्पेशलिटीज, और आई यूज टू कम फर्स्ट। और नेचुरली जब पहला आदमी आता है तो उसे गोल्ड मेडल भी मिल ही जाता है, तो मेडल्स भी बहुत लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और नॉट इन कैडेट कॉलेज पिटारो। उसके बाद मैं चूंकि लॉरेंस कॉलेज गया तो वहाँ पे भी एथलेटिक्स के हवाले से जो है वो मुझे एथलेटिक कप भी मिला वहाँ पर, और वहाँ भी स्पेशलिटी मेरी वही 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो स्प्रिंटर था मैं, ठीक है, तो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, स्पीड तो वो जो है फैसला जिंदगी का हो जाता था। सही, तो अब फैसले भी इसी तरह करते हैं स्पीड से? ये अल्लाह का मैं समझता हूँ मुझ पर खास एहसान है, और मेरे बुजुर्गों की, मेरे बड़ों की ट्रेनिंग है कि फैसला मैं बहुत तेज करता हूँ। तेज फैसले कहते हैं, बाज़ दफ़ा सोचना ज़रा ज़रूरी होता है। तेज डज नॉट मीन कि मैं सोचता नहीं हूँ, मैं मशवरा नहीं करता, मीन्स के बहुत सारे लोग ऐसा है कि कुछ फैसले इंसान को जो है वो
एक घंटे में कर लेने चाहिए सही है। और कुछ फैसले ऐसे हैं जो कुछ चंद दिन आपको ले लेने चाहिए, तो जो ड्यू प्रोसेस है वो तो उसका होता है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सोचते रह जाते हैं। ठीक हाँ, तो मतलब एक आपका टाइम फ्रेम होता है कि डिसीजन लेना है, और कभी ऐसा हुआ कि किसी फैसले पे कोई पछतावा हुआ कि यार मैं थोड़ा टाइम लगा देता, ये मैंने क्या किया? टाइम के हवाले से तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने मैंने कोई ऐसी कोई गलती की है कि मैं ये समझूँ कि मुझे टाइम और ले लेना चाहिए था, बट मैं ये समझता हूँ कि फैसला इंसान को जो है सोच समझ के ही करना चाहिए। ठीक है। और मशवरा जो है वो सुन्नत है, मशवरा ज़रूर करना चाहिए। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि बेटा अगर कोई ना मिले आपको मशवरे के लिए तो दीवारों से भी मशवरा कर लिया करो। तो सुन्नत है, सुन्नत चीज़ें जो है उनमें बहुत ज़्यादा इंसान को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और अमल करे तो बहुत फायदा होता है। सही है। अच्छा, तो मशवरे की बात आती है, मशवरा यकीनन आप किसी एक या दो जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी शख्सियात होती हैं जिनको आप कंसीडर करते हैं कि नहीं जी मैंने इनसे मशवरा करना है, ये मुझे सही गाइड करेंगे, मेरी रहनुमाई अच्छी होगी, ऐसी कौन सी शख्सियात हैं आपकी जिंदगी? वालदैन से बड़ी तो कोई शख्सियात हो नहीं सकती दुनिया में। अगर आपको बेलोस मशवरा कोई दे सकता है तो वो वालदेन दे सकते हैं। नेचुरली जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे जो है वो और भी मशवरे के मामला थे। तो जैसे मेरे चचा जान मलिक इमामुद्दीन शौकीन साहब, तो वो एक बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत ठंडे मिजाज के इंसान है, तो उनसे अच्छा मशवरा तो कोई नहीं दे सकता। सही। अच्छा, मशवरों की बात है और बहुत सारे मशवरे और बहुत सारी शख्सियात ज़िंदगी में होती हैं, और क्या क्या मशवरे किस किस से लिए और कितने मशवरों पे अमल करके सुरखरू हुए, ये सब बात होगी एक छोटे से वक्फे के। लाइफ पार्टनर वो कहाँ से आए और कैसे आए जिंदगी? नहीं, इसीलिए उसको बेटर हाफ कहते हैं। वो कौन सा वाला बेटर है? और आज तक नाच रहे हैं या नहीं? नहीं, वो वाला नहीं नाच रहा मैं। खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अली मलिक और बात हो रही है मशवरों की। मशवरे ज़िंदगी में आपने कहा कि वालदैन, नेचुरली वालदैन से बड़ा कोई आपका रहनुमा नहीं होता, आपको सच्चाई के साथ मशवरा नहीं देता, और आपके चचा इमामुद्दीन शौकीन साहब। जब आप थोड़े से बड़े हुए, मैच्योर हुए, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेशनल लाइफ आ गई, प्रोफेशनल लाइफ में जब आप एंटर होते हैं, क्योंकि आपका फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी, आपको बहुत सपोर्ट रही होगी फैमिली की, लेकिन कोई मसाइल आए, कोई मुश्किलात आई? ये देख, जिंदगी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। ठीक। और इंसान को हर लम्हे हर स्टेज पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो उसने पहले शायद ना की हो, और उससे इंसान नेचुरली तजर्बा भी हासिल करता है। जब वो आपको आपके लिए अच्छाई होती है तो भी आपको कोई तजर्बा मिल रहा होता है, जब आपके साथ कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो वो भी आपको कोई ना कोई सीख दे अच्छा लर्निंग प्रोसेस ऑफ कोर्स। तो मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं समझता हूँ। अगर इंसान को ये कहे कि किसी इंसान को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो कितनी, हालांकि अल्लाह के सबसे प्यारे इंसान और इंसान हैं नेचुरली, और उनसे ज़्यादा तो प्यारी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी अल्लाह ताला को। उन्होंने, अल्लाह ताला ने जो है वो उन्हीं की खातिर ये जिंदगी दुनिया बनाई और सारा प्रोसेस और सारी ज़िंदगी सारी इंसानियत को जो है वो आगे लेकर मामला, जब उनको इतने हर प्रोसेस पर हर स्टेप पर उन्होंने हर चीज़ ऐसी सख्तियाँ और तकलीफ़ें देखी हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी एक इंसान दुनिया में ऐसा है जिसको कभी कोई तकलीफ़ ना आई हो, कभी कोई परेशानी ना आई हो, कभी उसने किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल ना की है। तो इट्स अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ पार्टनर, वो कहाँ से आए और कैसे आए जिंदगी? जी, लाइफ पार्टनर यस ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए अंग्रेज़ी में उसको बेटर हाफ कहते हैं।
तो वो अब ये नहीं पता होता कि वो कौन सा वाला बेटर है, हाफ उन दोनों में से कौन बेटर है। नहीं, इसीलिए उसको बेटर हाफ कहते हैं। तो बेटर हाफ कहना भी चाहिए, इसलिए कि सिन्फ नाजुक जो है ना, वो इसीलिए नाम दिया गया और वो आपकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल लेकर आते हैं। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में जो है वो शामिल होता है, वो आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए हर वक्त। अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज? जी, अरेंज मैरिज हुई, और मेरे वालिद साहब ने और मेरे चचा ने मेरे लिए जो है वो, मेरी वालदा ने, उन्होंने मेरे लिए जो है वो लाइफ पार्टनर ढूंढा। और खैर, लंदन में पढ़ता था उसी वक्त हमारी डिस्कशन हो गई कि भाई मैंने यहाँ से जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करना है, मैं पढ़ाई करने के बाद वापस आऊंगा। वैसे भी आप अच्छे बच्चे थे हम ममाज बॉय, वो माँ का वो वाला लाडला जो बिगड़ता नहीं है, तो वो वाले आप लाडला। अच्छा, तो कैसी जिंदगी, कब शादी हुई? जी बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है। और मेरे ख्याल में शादी में जो है मैं खुद भी नाचा था। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई नचा रहा है, बाकी ये तो अल्लाह को पता है या लोग जो देख रहे हैं उनको पता होगा। सारे रिश्तेदार कहेंगे बस रहने दें, पता है हमें भी। हो सकता है, मैं उनको जो है वो गलत किसी को भी नहीं कहना चाहिए, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो कौन से ईयर में ये हादसा हुआ? ये जो है वो 1993 में आई गॉट मैरिड एंड आई वाज दैट टाइम आई वाज 25 इयर्स ओल्ड एंड अर्ली एज में एक राइट टाइम पे जो है वो आई गॉट मैरिड एंड माय वाइफ बाय वर्चू ऑफ द प्रोफेशन शी वाज अ डॉक्टर। प्रैक्टिस नहीं करती बट प्रैक्टिस वो जो है फैशन डिजाइनिंग की करती है। सही, शी इज अ फैशन डिजाइनर ना। सही, ठीक है। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अच्छी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। दो बेटियाँ और एक बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ब्लेसिंग होती है औलाद। कैसा रिलेशन हो सकती, कैसा रिलेशन किससे, वाइफ से या बच्चों से? अब ये रिलेशन पूछने के लिए जो है भाभी को बुलाना चाहिए, बच्चों से रिलेशन पूछने के लिए बच्चों को बुलाना चाहिए, तो दोनों का एक के बाद एक बता दो। जी, वी आर मैरिड सिंस 26 इयर्स नाउ, बल्कि 27 इयर्स आई एम सॉरी, 27 इयर्स की मैरिज लाइफ जो है वो इंसान की मिसाल है। अगर इंसान एक दूसरे से रिलेशनशिप ठीक ना हो तो निपटी नहीं। 27 साल बहुत होते हैं, बहुत। इसमें जो है दो डेकेड गुजर गए और तीसरा डेकेड जो है गुजरने चल रहा है, चल रहा है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। अब ये तो बेगम से पूछना पड़ेगा उसे कितना रिग्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बच्चों के साथ कैसा रिलेशन? बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा एक तबीयतन एक डिसिप्लिन किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि मेरा ब्रॉट अप इसी अंदाज से हुआ है, मेरी कॉलेज लाइफ में भी और वैसे भी जो है ट्रेनिंग। वालिद साहब भी मेरे बहुत डिसिप्लिन किस्म के इंसान थे। लोग सुलेमान रोशन एक बहुत बड़ा नाम है, लोग जिससे जो है वो घड़ियां मिलाया करते थे। He was a man कि जब वो टंडवादम से निकलते थे तो हमारी एक इंडस्ट्री जो है वो नूरियाबाद में थी, टेक्सटाइल थी हमारी, वहाँ पर लोग जो है ना वो, उनको पता था कि सुलेमान रोशन 9 बजे डॉट यहाँ पर पहुँचेंगे और चाय बनी हुई होनी चाहिए। और लोग कहते हैं, मैं तो जी आप ये चाय नहीं पीते इसलिए मैं इस नेमत से नहीं है जो मैं पी रही हूं। मैं इस नेमत से महरूम। सही, तो लोग जो है वो चाय पहले से बना के रखते थे और दुनिया कहती है कि कभी चाय ठंडी नहीं है। अच्छा, कभी चाय ठंडी नहीं है, वो हमेशा इन टाइम पहुंचते थे। 9 बजे उन्होंने कहा है ना, तो 8:59 पे पहुंचेंगे 9:01 नहीं होगा कभी। जबरदस्त। तो आपका डिसिप्लिन बच्चों को कभी तंग करता है, बच्चे परेशान होते हैं? देखिए, इतना आसान तो नहीं होता डिसिप्लिन। जो है वो उसके लिए बड़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं इंसान को, और इंसान को जो है वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डिसिप्लिन लाइफ में नहीं हो सकता। हो सकता है आप थोड़ा सा गुस्सा वाला आदमी तो, थोड़ा सा है या ज्यादा है ये तो बच्चे बताएंगे मैं कितना हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हूँ मैं, लेकिन मैं गुस्सा नहीं समझता हूँ कि मुझे गुस्सा जो है ना वो एक दो बातों पे इस अंदाज से आता है कि मैं कभी गुस्सा नहीं करता जब तक मैं किसी को सिखा ना दूँ। मैं जब किसी इंसान को सिखा दूँ कोई बात और उसे मैं कहूँ, उसे मैं ट्रेन कर लूँ कि तुमने ये काम करना है, लेट से एक मिसाल दे, बिल्कुल, कि तुमने ये काम करना है, और उसे एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम मैं सिखा दूँ, फिर वो गलती करे हाँ। अब मैं उसको फिर गलती नहीं समझता, ठीक,
کیونکہ ملٹیپل ٹائم سکھا دیا. ہاں کبھی انسان کو ایسی چیز پہ غصہ نہیں آنا چاہیے جو آپ نے کسی کو کہی نہیں ہے, بتائی نہیں ہے, سمجھائی نہیں ہے, تو وہ پھر زیادتی ہے. ٹھیک ہے, بہت جسٹیفیکیشن ہے غصے کی, اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ غصہ کس لیول کا ہوتا ہے اور کس ڈگری تک جاتا ہے. اس کی تصدیق تو یقیناً بچے ہی کریں گے, وہی بتائیں گے کہ کہاں تک والد صاحب غصہ کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ان سے ایک تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد؟ اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنے دل کی بات کر سکتے. نہیں نہیں ایسی بات, جس انداز سے انہوں نے جی کہا اس انداز سے تو جی سے لگا. اوکے ٹھیک ہے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اب کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں پروگرام میں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں شہباز علی ملک صاحب سے, اور اب جو موجود ہیں وہ وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے تصدیق کرنی ہے کہ شہباز صاحب کتنا غصہ کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے, اور وہ جو اپنے غصے کو جسٹیفائی کر رہے تھے, کیا واقعی وہ جسٹیفائیڈ غصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیٹے ہیں, بڑے بیٹے شہباز علی ملک. السلام علیکم شہباز. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بابا کہہ رہے تھے, بابا سائیں. جی بابا سائیں. آپ کے بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ غصہ کرتے ہیں لیکن بڑا وہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے, ایسا ہے؟ جی ایسی. ڈر کے تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں نہیں ایسی بات, جس انداز سے انہوں نے جی کہا اس انداز سے تو جی سے لگا. اوکے ٹھیک ہے. اصل میں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں ہر فادر اپنے بیٹے کے ساتھ غصہ کرتا ہے. اچھا, اٹس اے ٹریننگ پروسیس. ٹھیک ہے, ایسا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے جس میں غصہ نہیں ہوتا. جس میں غصہ نہیں ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے بینگ اے فادر کیسے کوآپریٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ایوری تھنگ, سب چیزیں. مزہ آتا ہے. اپنی کوئی پرابلمس ہوتی ہیں تو کس کے پاس لے کے آتے ہیں؟ سب سے پہلے بابا سائیں کے پاس, پھر مما کے پاس, پھر مما کے پاس. اچھا, یہ الٹی بات ہے ویسے, ورنہ بیٹے زیادہ تر ماں کے پاس جاتے ہیں اور اماں یہ ہو گیا آج بابا نے یہ کہہ دیا, ایسا تو نہیں ہوتا؟ بابا کی شکایت نہیں ہوتی؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا. ویسے یہ ہم نے غلط کیا ہے کہ ہم نے شہباز صاحب کو ساتھ بٹھایا. اس وقت جو ہے سچائی اور انصاف کی بات بول لینا چاہیے تھا. ہاں آپ کو تھوڑا سا بریک لینا چاہیے تھا. بہرحال چلو ٹھیک ہے. یہ بہت پیارے پیارے سے پیٹس ہیں آپ کے, ایک پرنس ہیں اور وہ سٹیلا. جی ٹھیک ہے. تو یہ شوق بچپن سے ہے؟ جی, جب کینیڈا میں تھا اس وقت تھوڑا سا دل کیا کہ یار ایٹ لیسٹ ایک اینیمل ہونا چاہیے گھر کے اندر, کیونکہ وہ پھر ایک طریقے سے برکت بھی ہو جاتی ہے ہر جگہ. تو اس کی اس نیت سے ہم نے رکھا تھا. صحیح. تو رکھا چھوٹا سا, اب اس کی وجہ سے دو تین ہو گئے, محبت ہو گئی اس سے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, پروفیشنلی کیا کرتے ہو اور اکیڈیمک کیا اسٹڈیز کی ہیں تھوڑا سا؟ پروفیشنلی آئی ہیو سٹارٹڈ جوائن مائی فادرز وینچر, جس طرح پاپولر فیبرکس ہے, کلوتھنگ لائن ہے ہماری, ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کے اندر میں نے جوائن کیا. اینڈ آئی ایم آلسو آل راؤنڈر, جس کے اندر کیونکہ اسٹارٹ ہے تو ابھی ہر انڈسٹری کو تھوڑا سا سروے کرنا, سمجھنا جتنی بھی. صحیح صحیح. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ جو ہے سب جگہ ان کو گھما گھما کے مٹی میں ملا رہے ہیں تاکہ یہ کام سیکھ جائیں. اٹس ا پارٹ آف ٹریننگ. اگر نہیں کریں گے یہ ضروری ہے. فورتھ جنریشن کے جو ہے وہ بڑے بیٹے ہیں یہ نیچرلی, تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو بچے بعد میں آئیں گے. کیونکہ ہوتا یہ کہ بڑے کی ذمہ داریاں اسی لحاظ سے ہوتی ہیں, پھر بڑا اللہ نے بنایا اس کو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس نے ذمہ داریاں بھی لینی ہوتی ہیں. تو ان چوتھی جنریشن کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. اگر یہ ٹرینڈ ہوں گے تو اپنے آنے والے بھائیوں کو, اپنی آنے والی فیملی ممبرس کو جو ہے وہ سب کو سکھا اور سمجھا سکیں گے, تاکہ یہ گروپ الحمد للہ جہاں پہنچ گیا ہے اس سے اور آگے جائے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا, کیونکہ اپنے بزنس میں ہیں آپ, اپنا فیملی بزنس ہے اور اس میں باس بھی بابا ہی ہوں گے,
सारे अपने ही लोग हैं, तो चाचू भी होंगे, दादू भी होंगे, बिल्कुल सही। तो मतलब सारे अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो कभी बाद में दिल नहीं खराब होता मुझे डांट दिया सबके सामने, कभी ऐसा होता है? डांट तो हर किसी को, जो गलती करता है वही डांट खाता है। कितना स्वीट बच्चा है, माशाल्लाह, सही, ठीक है, जो गलती करता है उसको डांट पड़नी ही पड़नी। और डांट एक ही दफा काफी है। ये माइंड में आपने अपने पक्का की हुई है ये बात की, डांट पड़ गई तो ठीक है, सुके। इट्स अगेन अ ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस में तो फिर आप जिसको भी डालते हैं उसको मांझते हैं अच्छी तरह, तो मांझते हैं तो फिर जब आप वो क्या एक उर्दू में लफ्ज है झूठा, झूने से माँचते हैं उसमें जो है उसमें कांटे भी निकले हुए होते हैं। ठीक है चले भाई, जबरदस्त, आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छा एक ग्राउंड मिला हुआ है, एक ट्रैक मिला हुआ है जिसपे आप आगे तरक्की करेंगे। वैसे घर के अंदर कैसा रिलेशन रहता है, कोई फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होती हैं, बर्थडेज होती हैं आपकी, बाबा को याद रहती हैं? सारा सारे याद रहते हैं। सेलिब्रेट करते हैं या थोड़ा गुस्सा दिखा देते हैं? क्या जरूरत है, क्या शोर मचाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिहाइंड हिज बैक, बट माशाल्लाह से अपने काम के साथ मैंने देखा है बाबा को, सही, कि जितने भी सोशल इवेंट्स हो, स्पेशली घर के हो, बर्थडेज हो या कुछ भी हो, ही इज ऑलवेज देयर ऑन टाइम एंड ही इज द वन रिमाइंडिंग अस। अच्छा हम तो भूल ही जाते कभी कभार, सही सही, लेकिन माशाल्लाह से मेमोरी, माशाल्लाह से इनकी अच्छी है, ठीक है। पॉकेट मनी मांगनी तो नहीं पड़ती? कभी मांगी नहीं मैंने, मांगी नहीं, खुद ही मिल जाती है, खुद ही मिल जाती है। पूछते तो नहीं कि कहाँ खर्च कर आए हो? कभी कभार बड़ा मैसेज आ जाए, कोई जरा बड़ा आ जाए, बड़ा वाला मैसेज आ जाए, ट्रांजैक्शन बड़ी है तो पूछ ही लेते हैं यार ये क्या हुआ, ये थोड़े ज्यादा हो गए, क्या हो गया? ठीक है, अच्छा, सही है, सही। अच्छा, जैसे होता है कि आप कहीं बाहर वेकेशंस पे लेके जाते हैं, फैमिली वेकेशंस होती हैं? जी जी, बचपन से जी बड़ा एंजॉय करते हैं, ऐसे ही ज्यादा करीब किसके हैं, बाबा के कि मामा के? टू बी रियली ऑनेस्ट, बेटे माँ के ही होते हैं, बिल्कुल मामा's boy होते हैं, बिल्कुल माँ से ज्यादा करीब हैं, ठीक, इट्स नेचुरल, नेचुरल है ये होता ही है, बिल्कुल। अच्छा, बेटियाँ बाप के साथ बहुत, बिल्कुल, बहुत बाप के साथ ऐसी होती हैं कि दोस्तों से भी ज्यादा आगे होती हैं, बेटे माँ के साथ इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि वो दोस्तों से भी होती हैं, ये जरूरी होती है। और वैसे भी माँ के साथ देखे ना, नेचुरल है, क्योंकि बाप तो जो है वो निकल जाता है, माँ के साथ टाइम स्पेंड होता है बचपन से, माँ ट्रेन करती है, ग्रूम करती है अपने बच्चों को, उनकी ट्रेनिंग माँ की गोद से ही ट्रेनिंग बच्चों की शुरू होती है, थोड़ा सा लीनियंट भी होती है ना माँ, थोड़ा सा मार्जिन दे देती है, थोड़ा सा छुपा भी लेती है बात को। अच्छा, कोई ऐसी आदत बाबा की जो, वैसे तो जाहिर सी बात है जो जितनी बातें आपने बताई है एक आइडियल फादर की, लेकिन कोई बात लगती भी है कि बाबा ये आदत छोड़ दें? गुस्सा होना, बाबा साहब के गुस्सा एक पार्ट है अपनी जगह, एक टू बी ऑन हिज कैलिबर एक तरीके से, वो ही हैज टू बी लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि एक इंडस्ट्री चला रहे हैं पूरी, और एक सॉरी इंडस्ट्री एक नहीं है, मल्टीपल इंडस्ट्री, तो उसके लिए हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉर्मल। अच्छा, कोई आदत ऐसी जो छोड़नी हो, छोड़नी हो जरूर बता दें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने दिल की बात कर सकते हो। नहीं, एस सच कोई ऐसी आदत तो है नहीं बाबा की, ठीक है, जब भी मैंने देखा है, जब भी ये थोड़ा सा चेंज होते हैं, he reverts back and he does come back and does rectify, जो बहुत अच्छी आदत है बाबा, ठीक है, तो वो फिर इसलिए आपको वो मार्जिन आता ही नहीं है कहने का, वो खुद ही कवर हो जाते हैं मामलात, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई वन वर्ड कहना चाहेंगे बाबा के लिए, कोई विश, कोई चीज? वैसे हैं तो मेरे रोल मॉडल, वैसे क्यों कहा, ऐसे भी है? नहीं नहीं, ऐसे भी है और वैसे भी है, ठीक है। उर्दू में थोड़ी सी जो है कमजोरी हो सकती है, क्योंकि बचपन से इंसान जो है ना जैसे कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़े, आजकल सारे बच्चों का ये मसला है कि उर्दू जरा उनकी कमजोर है, उसमें हाथ कमजोर है, तो इसलिए हम भी आपको मार्जिन देते हैं, वैसे तो आपके रोल मॉडल है। आगे जी, आई वुड से दैट माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग, माशाल्लाह से, और कभी भी मैंने अपने फादर को हार्ड वर्किंग करते हुए देखा नहीं है। He's there, जिस तरह his father made
جس طرح ان کے فادر تھے. 9 o'clock on the dot was there. My father is 9 o'clock on the dot there. اور پھر آتے بھی ماشاء اللہ سے لیٹ ہی ہیں. اینڈ ہی ان ٹرن آلسو ٹائم بھی نکالتے ہیں سب کو ٹائم دینے کے لیے, سب کے لیے ٹائم نکالتے بھی ہیں آرام سے. تو آئی گیس ہی از ڈوئنگ اے ویری ماشاء اللہ سے پرفیکٹ جاب. ماشاءاللہ. And this comes from the bottom of my heart. صحیح. زبردست. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ اتنے پیارے کمپلیمنٹس ہیں. بچوں کے رول ماڈل ہونا بڑا ہی بلیسنگ ہے کہ آپ ہی رول ماڈل ہوں اپنی اولاد کی. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے, بولتا ہے, اور بیٹے ایسے ہی ہونے چاہیے, ویری اوبیڈینٹ. اور کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے غصہ کیا ہو تو اس نے کبھی مجھ سے آگے سے آواز بھی, یو نو, ریٹرن بیک بھی کیا. تو مجھے مطلب ایک باپ کو اور کیا چاہیے. بالکل. کینیڈا میں پڑھتا رہا, کرنے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہیں رہ جاتا. بالکل. لیکن الحمدللہ, حالانکہ یہ وہاں پر ہی اسٹارٹیڈ ہز پروفیشنل کیریئر, وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اچھا. اور جو ہے وہ وہاں پر یہ بزنس جو ہے وہ اسکول میں بزنس پڑھاتے تھے, ایک سال پورا وہاں پڑھایا بھی انہوں نے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا شہباز, اور ادھورا رہتا یہ انٹرویو اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے, اور آپ کی یہ خوبصورت سی پرنس اور اسٹیلا بھی موجود رہی ہمارے ساتھ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے شہباز علی ملک, شہباز علی ملک کے بیٹے, اور بہت ہی اچھی بانڈنگ ہے باپ اور بیٹے کی, ایک اچھی دوستی ہے, احترام بھی ہے, ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے. یہی رشتوں کی اصل حقیقت ہوتی ہے اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر مزید گفتگو. ہائی ویز پہ جاتے ہیں؟ جی, ہائی ویز پہ جاتے ہیں. اسٹریٹ پہ تو وہ اتنی بڑی بائکس ہیں کہ وہ 2 منٹ میں جو ہے وہ ہماری رائڈ ختم ہو جاتی ہے, اسپیڈ بھی نہیں آئے گی. ہاں جی. لیکن اب جب یہ بات ہوئی کہ شہباز کرے پرواز, تو کیا بلیوز ہیں اس قسم کے, ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوانہ تھے, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوانہ تھے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز علی ملک, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کے, اور ہم نے بڑی مزے مزے کی باتیں کی بیٹے سے. شہباز نے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بھی بتائیں جو یقیناً ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. اچھا, بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا. کچھ آپ کی بڑی زبردست قسم کی ہابیز ہیں, بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, میری دو ہابیز ہیں. ایک اسپیشلی, ایک تو ہارس رائڈنگ از ون آف مائی ہابیز آف کورس, اور آپ کو پتہ ہے گھوڑا جو ہے وہ بہت شوق, بہت سارے لوگ جو ہے شوق سے رائڈ آؤٹ کرتے ہیں. دوسری آج کل جو ہے وہ پورے شہر میں گونج ہے. گونج ہے, میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. پورے شہر میں گونج ہے, اور جب وہ چیز اپنی لائف میں آتی ہے تو پورے شہر کو اٹھا دیتی ہے. بالکل. اور وہ ہے نیچرلی ہارلی ڈیوڈسن, جو ہیوی بائکس ہیں وہ. بالکل. اور ہمارے گروپس ہیں الحمدللہ بہت, اس وقت تو کراچی میں خاص طور پر اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ اس پر کام وہ رائڈ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. بہت ایک فیشن بھی ہے. بالکل. فیشن کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے فیشن ہو, بٹ میں یہ کہوں گا کہ بڑی ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ جب آپ بائک پہ بیٹھتے ہیں اور کھلی فضا میں اور ٹھنڈی ہوا میں جو ہے وہ آپ کو جھونکے لگتے ہیں تو آپ ریفریش ہو جاتے ہیں, جیسے گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. بڑا خوبصورت منظر بتا رہے ہیں ویسے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ریفریش ہو جاتے ہیں. جی بالکل, ریفریشنگ مومنٹ ہوتا ہے وہ. اور انسان جب تھکا ہارا پورے ہفتے, ہم خاص طور پر ویکینڈس پہ جو ہے وہ رائڈ کرتے ہیں, کیونکہ پورا ہفتہ سب پروفیشنل ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں جتنے بھی شہر کے, چاہے ملک کے, چاہے وہ جو ہے وہ اسٹارز ہوں. جی, ہمارا کلب ہے, ہمارے کلب کا نام ہے دی آئرن بردرہڈ. ہمارا جو کلب ہے خاص طور پر
वो लड़के सारे लड़के कहूंगा अब ठीक है हमने हमारे सफेद बाल हो गए अपनी जगह नहीं, जब तक आप ये फील्स नहीं लाएंगे आप उसकी राइड वो मजा नहीं आएगा आपको, इसीलिए हम अपना एक दूसरे को बॉयज ही बोलते हैं, ठीक है हम जो है बॉयज डू दिस बॉयज डू दैट, तो हम हर वीकेंड पे राइड करते हैं। अच्छा। और हमारा राइडिंग पैटर्न है बाकायदा शहर में, पूरे मुल्क में जो है वो मशहूर है कि द आयरन ब्रदरहुड जिस तरह राइड करता है वो पूरे शहर में शायद ही कोई राइड करता है उस अंदाज से, बहुत ही डिसिप्लिन के अंदाज से राइड करते हैं। हमारी एक फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन जो है वो उस फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो हम राइड करते हैं पूरी दुनिया में, उसी तरह उसी को फॉलो करते हैं कि स्कैटर्ड फॉर्मेशन होती है कि एक जो है वो कैप्टन होता है आगे जो सबको लीड करता है, फिर उसके बाद जो है वो मार्शल्स होते हैं जो पूरी जो स्क्वाड होता है जो साथ चल रहा होता है उसको लुक आफ्टर करता है, उसको जगह दिलवाता है, उसको जो है वो सेफ्टी के साथ उसके मामलात करता है, फिर एक आखिर में जो है वो गनर होता है। अच्छा। वो गनर जो है वो पूरे ग्रुप को जो है ना वो जैसे माँ अपने परिंदों परिंदे जो है वो अपने बच्चों को परों में उसी तरह प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह जो है वो उसका भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है, वो पीछे से लेके चलता है और जो है वो हम बाकायदा बीच में आप सारे राइडर्स को लेके जो है वो हम चलते हैं, उनकी सेफ्टी उनकी सिक्योरिटी उनकी जो है वो राइडिंग के मामलात, फिर जो जैसे मैं कह रहा था स्कैटर्ड फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन जैसे मैंने अर्ज किया कि आगे जो है सबसे पहले कैप्टन होता है और फिर जो है वो हम इस तरह चल रहे होते हैं कि एक बाइकर इधर होता है, एक बाइकर इधर होता है, एक इधर होता है, ये इस तरह करते हैं। उसका उसकी रीजन ये जिस तरह सांप चलता है कि वो सेफ्टी के साथ जो है वो जिगजैग होकर चलता है कि किसी वक्त भी लेफ्ट वाले को प्रॉब्लम है तो वो राइट पे आ सके इजीली, राइट वाले को कुछ स्पेस दे के जो है वो हम चलते हैं वो जो है लेफ्ट पे आ जाए, तो वो सेफ्टी जो है वो हमारा तो मोटो यही है, हम सबको यही कहते हैं हेलमेट्स पहनना। आप जाते हैं जी हाईवेज पे जाते हैं, स्ट्रीट पे तो वो इतनी बड़ी बाइक्स हैं कि वो दो मिनट में जो है वो हमारी राइड खत्म हो जाती है, स्पीड भी नहीं आएगी। हाँ जी, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान के जो लॉज हैं उनको भी तो आप समझती हैं। देखिए उन बाइकों की स्पीड तो 200 से भी ऊपर है लेकिन नेचुरली पाकिस्तान का लॉ आपको अलाउ नहीं करता कि आप 200 की स्पीड चलाएं और सेफ्टी भी नहीं है उसमें, तो मैक्सिमम स्पीड पाकिस्तान की लॉ के हिसाब से 120 है, तो हाईवे पे जो है वो उसी में रहते जी उसमें हम रहते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा आप गवर्नर हाउस भी गए, आपका पूरा स्क्वाड गया, वो बड़ा उसको कवरेज भी मीडिया में मिली और बड़ा शोर भी मचा, कैसा एक्सपीरियंस था और ये आइडिया कैसे जहन में आया? देखिए थैंक्स टू गवर्नर सिंह, वो भी राइडर हैं, वो भी हमारे राइडर हैं और बड़े शौक से, हाँ बड़े शौक से, इमरान साहब जो है वो बड़े शौक से राइड करते हैं और उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे नेक इंसान थे और कराची चैम्बर के वो प्रेसिडेंट भी रहे इमरान साहब के वालिद साहब, और मैं उनके साथ जो है वो कराची चैम्बर की कमेटी में भी उनके साथ था उस ज़माने में, तो बहुत जो है ना वो शौक से वो राइड करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आए हुए थे अलवी साहब, तो मेरा ख्याल है उन्होंने हमें दावत दी और हम जो है वो तकरीबन कोई 80-90 राइडर्स जो है वो मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ गवर्नर हाउस पहुँचे, फिर हमने छोटी जो है वो राइड भी की, फिर इमरान साहब ने गवर्नर साहब ने जो है वो इमरान इस्माइल साहब ने हमने मिलकर जो है वो शौकत खानम के लिए भी जो है वो एक राइड की थी। अच्छा। और उसमें जी उसमें वो कैप्टन बने थे। अच्छा। उन्होंने लीड किया था। ठीक है। बट राइडिंग इज ऑलवेज यू नो हेल्दी, इसके बरक्स के कौन क्या है, ठीक है, कोई इसमें जो है ग्रुप में ये नहीं देखता कि किसकी क्या डिजिग्नेशन है कौन क्या है, बिल्कुल दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ जो है वो राइड करते हैं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए ही करते हैं सब कुछ। अच्छा, क्योंकि आपका नाम भी है शहबाज और शहबाज करे परवाज वाली बात, हर वक्त आप ट्रेवल में रहते हैं आपने बताया, जब ये बात हुई कि शहबाज करे परवाज, तो क्या बिलीव्स हैं इस किस्म के, किस अंदाज में सोचते हैं, सूफीज्म की तरफ ध्यान है? जी मेरा नाम जो है मेरे वालिद साहब ने हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की नस्बत से जो है वो मेरा नाम रखा उन्होंने, और उनकी बड़ी अकीदत थी उनके साथ, तो मेरा नाम उसी पर उन्होंने रखा, और मैं बिलीव करता हूँ कि नाम की बड़ी नस्बत इंसान की पर्सनैलिटी पर होती है, तो नाम चूँकि शहबाज है मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझ पर जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत है, इसलिए हर वक्त उड़ता रहता हूँ और मैं हफ्ते में कम से कम 2-3 फ्लाइट्स जो है वो मेरी किस्मत में, मेरी जो है वो लाइफस्टाइल में मौजूद है, तो ये नस्बत है अपनी जगह, नस्बत है अपनी जगह। क्या समझते हैं इंसान, किस्मत पे यकीन रखते हैं या सिर्फ मेहनत पे यकीन रखते हैं? जी मेहनत जो है वो देखें, मेहनत जो है वो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये सोचूं
کہ دنیا جو ہے وہ مجھے بٹھا کے کھلا دے گی. اور منوا و سلوا کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور انسان کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میرا بلیو دونوں پر ہے, قسمت پر بھی ہے, ایسا نہیں ہو, لیکن میرا بلیو یہ ضرور ہے کہ جب تک میں محنت نہیں کروں گا تو میری قسمت بھی جو ہے وہ کیسے کام کرے گی. مجھے محنت کرنی چاہیے, پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ پر میں چھوڑتا ہوں اور میں اسے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میں نے اپنا پارٹ کر دیا ہے. میرے دل میں اب یہ نہیں ہے کہ میں اگر ایسے کر لیتا تو یہ ایسے ہو جاتا اور ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. وہ اپنی ایفرٹ پوری 100% میں نے ڈال دی ہے, اب اس کا رزلٹ دینا تیری ذات پر ہے. تجھ میں طاقت ہے, مجھ میں نہیں ہے, یہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس کی طاقت رکھ سکوں. یہ تو طاقت تیرے پاس ہے, اب تو جو کر سکتا ہے, تو جو چاہتا ہے وہ کر لے. جب کوئی بات ہوتی ہے کوئی جیسے آپ فیصلے کرتے ہیں بہت تیز رفتاری سے, جواب بھی ایسی تیز رفتاری سے دے دیتے ہیں, کوئی سوال آتا ہے؟ کوشش کرتا ہوں. ریپڈ فائر شاید. چلیں پھر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کی اسپیڈ, دیکھتے ہیں کیا اسپیڈ ہے اور کتنا تیز دوڑتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ایتھلیٹ رہے ہیں اور نمبر ون پہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جو پہلا آپ کے ذہن میں آنسر آئے گا مختصر سا ون ورڈ میں کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, پالیٹکس. قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح. ہوپ, امید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ماشاء اللہ. محبت. محبت انسانیت سے, اپنی فیملی سے. اس کے علاوہ کسی سے بتانا نہیں. پہلا لفظ آپ نے کہا, اگر تین چار لفظ کہنے ہیں تو پھر دو لفظ کہہ دیے, تیسرا بتانا نہیں. ٹھیک ہے, ٹرک. ٹرک, پاکستانی ٹرک کلچر جو ہے وہ روڈ پہ جو ٹرکس ہیں وہ جو خاص طور پر جو آرٹ جو ہوتا ہے ٹرک آرٹ پاکستان کا بہت. میں سمجھی شاید پاکستانی ٹرک کی بتی کے نیچے بھاگ رہا. نہیں, میں کبھی نہیں بھاگا کسی بتی. کرپشن, انفارچونیٹ آف پاکستان. بالکل. الو, کسی کو نہیں بنایا. بنے بھی نہیں, شاید بنا ہوں گا کسی کو لگتا ہو تو سمجھتا رہے. ٹھیک ہے, پلاؤ. خالی خیالی پلاؤ کبھی جو ہے وہ نہیں پکائے. آئی بلیو ان ہارڈ ورک, اس لیے جو ہے وہ محنت پر بلیو کرتے ہوئے کام کرتا ہوں. چمچا. بہت ہے پاکستان. چمچا کا ہے, چمچے نہیں کہا میں نے. ویسے پاکستان میں چمچے بہت ہیں. بہت ہیں چمچے, بہت ہیں. آپ پورا اپنا کٹلری سیٹ بنا سکتے ہیں. جی ہاں, بالکل بنا. ٹھیک ہے, آپ نے بنایا؟ نہیں, کوشش کی ہے لیکن دنیا ہے, آپ رہ بھی نہیں سکتے. انکروچمنٹ. انکروچمنٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم برائی ہے, اچھی بات نہیں ہے کسی بھی قسم کی انکروچمنٹ. یہ انکروچمنٹ کہ جی یہ گھر یہ زمین میری ہے, یا یہ انکروچمنٹ کہ یہ انسان میرا ہے میں کسی کے پاس نہیں جانے دوں گا, یہ بھی انکروچمنٹ ہے. یہ بھی انکروچمنٹ. تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور سب سے آخر میں کراچی. کراچی میرا شہر. صحیح, زبردست. ہم سب کا شہر کراچی, اور کراچی کے بغیر واقعی ہم بے معنی ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں, آپ کے کام بھی بہت سارے ہیں, لیکن ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا ہے پروگرام کا. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی, اور ہمارا پروگرام بھی ہے کراچی والے, اور اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ کراچی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, کیا یہاں پہ کمی ہے, کیا بہتری ہونی چاہیے, ارباب اختیار کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا ارباب اقتدار کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے, اور میرے دل میں بہت ہے اس سوچ کے حوالے سے. دیکھیں, ہم چونکہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں, اور اردو والا بھی سفر کرتے ہیں, انگریزی والا بھی سفر کرتے ہیں, تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. انسان جب سفر کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, جب کسی انسان کو پرکھنا ہو, پہچاننا ہو, تو اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو اسی طرح سفر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو پرکھتے ہیں اور کچھ سوچنے کا بھی وقت ملتا ہے انسان کو. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کراچی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کہوں گا میں, یہ کہنا چاہیے مجھے یا نہیں کہنا چاہیے, آئی ڈونٹ نو, شاید یہ ورڈ کسی کو اچھا نہ لگے, لیکن انفارچونیٹ ضرور ہے کہ اس پاکستان میں کراچی ایسا شہر ہے جو جس کے پاس پوٹینشیل بہت ہے, اور اس پوٹینشیل کو ابھی تک کسی نے سمجھا نہیں ہے. مشرف نے تھوڑا بہت شاید سمجھا تھا, جس نے اس کے انفراسٹرکچر پر پیسے خرچ کرنے کی کوشش کی, گو کہ وہ بھی ناکافی تھے کیونکہ پچھلے 50 سالوں سے اس کی ضرورت تھی. انہوں نے جو انفراسٹرکچر بنایا, وہ انفراسٹرکچر بنایا اس وقت تک کے لیے, جبکہ پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر فیوچر کے لیے بنایا جاتا ہے.
तो यहाँ फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पास्ट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो उससे हो क्या रहा है? देखें, आप इंडस्ट्रियल एरियाज में जाएं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो दूसरी और ज़रूरियात की चीज़ें नहीं हैं, मज़दूरों के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं हैं, और वर्कर्स जो है वो बेचारे जिन बसों में जाते हैं उन बसों में शायद उनको सांस भी नहीं आता, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आदमी कितनी एक्वायर कर सकता है? तो दुनिया में आप देखिए अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड और अपर ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं, तीन लेवल पर जो है वो ट्रांसपोर्ट चल रही है। यहाँ तो एक लेवल पर ट्रांसपोर्ट चल रही है, उस पर भी इंक्रोचमेंट है। आपने मुझसे सवाल किया इंक्रोचमेंट, तो उसमें भी इंक्रोचमेंट है। शायर फैसल पे चले जाइए, चार लेन्स हैं, कहीं जो है वो तीन हो जाती हैं, कहीं वो दो हो जाती हैं। बिल्कुल, तो अब ये बात किसी को समझ में नहीं आती कि चार लेन चलते चलते अचानक जो है वो तीन होगी तो फिर होगा क्या? जब तीन होगी तो होगा क्या, फिर जब दो होगी तो क्या होगा? तो इवेंचुअली बॉटलनेक बनेगा, और वो बॉटलनेक सबको तकलीफ देगा। ऑफिस से लोग निकलते हैं घर जाने के लिए, वो बेचारे थके हारे घंटों रोड पर खड़े रहते हैं। ये सोच, ये जो है वो, एक दफ़ा मैंने किसी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने किसी जो है वो साथी को कहा कि जो है वो बड़े ऑफिसर थे, मैंने कहा ये शहर जो है यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका इलाज क्या है? उन्होंने कहा जो स्पीड ब्रेकर बना दीजिए। आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा ये वाहिद शहर है जिसकी जो स्पीड, एवरेज स्पीड है वो 18 से 20 के दरमियान है। मेट्रोपोलिटन सिटी नहीं है, ये मेगा सिटी है। यानी एक तो मेट्रोपोलिटन सिटी होता है, एक मेगा सिटी होता है, जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए, मेगा चीजें बननी चाहिए। उसका फायदा इवेंचुअली गवर्नमेंट्स को होता है, फेडरल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट्स को होता है, क्योंकि टैक्सेस कल्चर है इस शहर में। आप ये देखिए कि कराची एक तरफ, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, टैक्स कल्चर का आप सिलसिला देखिए कि लोग यहाँ पे टैक्स खुशी से देते हैं और देना चाहते हैं, और भी दे सकते हैं, बिल्कुल बहुत कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर लोगों के पास पैसा है, और वो पैसा जो है वो अपने लोगों के लिए, अपने ऊपर क्या, अपने लोगों पे भी खर्च करना चाहते हैं। और लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि मैं पैसा किसके हाथ में दूँ, वो क्या इस पैसे के साथ, हाँ रिलायबिलिटी क्या है। अब हर गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि हम रिलायबल लोग हैं, लेकिन अब उनका अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वो इतना ज्यादा है कि वो पैसे उसी में खप जाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ही कोई नहीं होता। तो इस शहर को अगर आपने अपने मुल्क को ठीक करना है, अगर मुल्क को खुशहाल करना है, तो मैं समझता हूं कि कराची ऐसा शहर है जिसको आप खुशहाल कीजिए, पाकिस्तान खुद खुशहाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अपना कीमती वक्त भी दिया, और बहुत खूबसूरत बातें, बहुत अच्छी मुलाकात, अच्छी गुफ्तगु रही आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शहबाज अली मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, और बात बहुत आम और बहुत ही सादा है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तो इस शहर को, कराची को तरक्की देनी होगी, तभी हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तदार दोनों ही शायद गुरेजा हैं इस शहर के हालात को बेहतर करने के लिए, और बकौल शायर, हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवाना थे, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवाना थे। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।